नमस्कार बच्चों, बच्चों उम्मीद है कि आप अपने स्थान पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे बच्चों आपने देखा कि पिछले कुछ अध्यायों में जब हम नागरिक शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें जो कुछ अध्याय हैं हमने लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं उनकी बहुत बार बात की है क्योंकि जो राजनीतिक दल हैं वो लोकतंत्र में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं वो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को बनाने संविधान को बनाने और इसी प्रकार चुनाव लड़कर सरकार में शामिल होकर उसके संचालन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं और आज का जो हमारा अध्याय है उसका नाम भी राजनीतिक दल है और ये कक्षा 10 का अध्याय छ है इस अध्याय में हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों होती है राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है राजनीतिक दल के कार्य क्या होते हैं राजनीतिक दल अगर भारत में देखें तो कौन कौन से हैं अगर हम बात करें कि वो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल हैं उनकी बात करेंगे फिर हम ये भी देखेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं उनकी क्या खामियां हैं और उनको सुधारा कैसे जा सकता है तो हम सबसे पहले राजनीतिक दलों की जरूरत क्यों है उसके बारे में जानेंगे क्या है कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की संस्थाओं में जो राजनीतिक दल हैं वो अलग से ही दिखाई देते हैं एक आम नागरिक के लिए तो लोकतंत्र में उनको उसका अर्थ नहीं पता उनको सरकार का अर्थ नहीं पता उनके लिए अगर कोई भी चीज महत्वपूर्ण है तो वो राजनीतिक दल ही होता है इन आम नागरिकों की या जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनके लिए तो राजनीतिक दल ही सब कुछ हैं वही सरकार है वही संविधान है क्योंकि उन्हें ज्यादा सरकार और संविधान के बारे में पता नहीं होता बस सिर्फ राजनीतिक दल को ही आधार मान करके वो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना शुरू कर देते हैं बेशक ये लोग सरकार और संविधान के बारे में कुछ भी ना जानते हों, परंतु राजनीतिक दलों के बारे में वो सब कुछ जानते हैं सारे का सारा ब्यौरा इन लोगों के पास होता है पर इसका मतलब ये नहीं है कि राजनीतिक दल जो हैं वो बहुत लोकप्रिय होते हैं आम तौर पर लोग क्या होता है राजनीतिक दलों को एक बुराई मानते हैं और कई बार तो ये भी कहा जाता है कि सामाजिक और राजनीतिक विभाजन के लिए भी राजनीतिक दल ही जिम्मेदार हैं ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है क्या हमें सचमुच राजनीतिक दलों की जरूरत है करीब सौ साल पहले दुनिया के बस कुछ ही देशों में और वह भी गिनती के राजनीतिक दल थे आज गिनती के ही देश ऐसे हैं जहां राजनीतिक दल नहीं हैं दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल इतने सर्वव्यापी क्यों हो गए आइए सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें कि राजनीतिक दल क्या हैं और वे क्या करते हैं उनकी जरूरत पर चर्चा इसके बाद होगी तो राजनीतिक दल क्या होते हैं इनका क्या अर्थ है आइए इसको समझें अगर देखें तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़कर राजनीतिक सत्ता हासिल करना चाहता है अर्थात उसका मुख्य उद्देश्य देश की राजनीति में सत्ता पर कब्जा करना होता है समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखकर यह समूह कुछ नीतियां और कार्यक्रम तय करता है सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है इसे लेकर सबकी राय अलग अलग होती है इसी आधार पर दल लोगों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियाँ औरों से बेहतर हैं वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं पार्टी समाज के किसी एक हिस्से से संबंधित होती है इसलिए उसका नज़रिया समाज के उस वर्ग या समुदाय विशेष की तरफ झुका होता है किसी दल की पहचान उसकी नीतियों और उसके सामाजिक आधार से तय होती है अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो राजनीतिक दल के तीन हिस्से होते हैं पहला हिस्सा होता है नेता दूसरा होता है सक्रिय सदस्य और तीसरा होता है समर्थक या अनुयायी नेता अर्थात जो पार्टी का या दल का संचालन करते हैं और जो सक्रिय सदस्य है जो पार्टी के साथ जुड़े होते हैं और समर्थक या अनुयायी जो विशेष किसी विशेष पार्टी को वोट देते हैं किसी ना किसी आधार पर वो अनुयायी या समर्थक कहलाते हैं अब हम राजनीतिक दलों के क्या कार्य होते हैं आइए उसके बारे में जानें। मूलतः राजनीतिक दल राजनीतिक पदों को भरते हैं और राजनीतिक सत्ता का इस्तेमाल करते हैं दल इस काम को कई तरह से करते हैं दल चुनाव लड़ते हैं अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में चुनाव राजनीतिक दलों द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवारों के बीच लड़ा जाता है राजनीतिक दल उम्मीदवारों का चुनाव कई तरीकों से करते हैं अमेरिका जैसे कुछ देशों में उम्मीदवार का चुनाव दल के सदस्य और समर्थक करते हैं अब इस तरह से उम्मीदवार चुनने वाले देशों की संख्या बढ़ती जा रही है अन्य देशों जैसे भारत में दलों के नेता ही उम्मीदवार चुनते हैं दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और मतदाता अपनी पसंद की नीतियाँ और कार्यक्रम चुनते हैं देश के लिए कौन सी नीतियाँ ठीक हैं इस बारे में हम में से सभी की राय अलग अलग हो सकती है पर कोई भी सरकार इससे अलग अलग विचारों को एक साथ लेकर नहीं चल सकती दल देश के कानून निर्माण में सहायक भूमिका निभाते हैं कानूनों पर औपचारिक बहस होती है और उन्हें विधायिका में पास करवाना पड़ता है लेकिन विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी ना किसी दल के सदस्य होते हैं दल ही सरकार बनाते और चलाते हैं पार्टियाँ नेता चुनती हैं उनको प्रशिक्षित करती हैं और फिर पार्टी के सिद्धांतों और कार्यक्रमों के अनुसार फैसले करने के लिए उन्हें मंत्री बनाती है ताकि वे पार्टी की इच्छा के अनुसार सरकार चला सकें चुनाव हारने वाले दल शासक दल के विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं सरकार की गलत नीतियों और असफलताओं की आलोचना करने के साथ साथ वह अपनी अलग राय भी रखते हैं विपक्षी दल सरकार के खिलाफ आम जनता को भी गोलबंद करते हैं जनमत निर्माण में दल महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वे मुद्दों को उठाते और उन पर बहस करते हैं विभिन्न दलों के लाखों कार्यकर्ता देश भर में बिखरे होते हैं समाज के विभिन्न वर्गों में उनके मित्र संगठन या दवाब समूह भी काम करते रहते हैं दल ही सरकारी मशीनरी और सरकार द्वारा चलाए जाने वाले कल्याण कार्यक्रमों तक लोगों की पहुंच बनाते हैं एक साधारण नागरिक के लिए किसी सरकारी अधिकारी की तुलना में किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से जान पहचान बनाना उससे संपर्क साधना आसान होता है इसी कारण लोग दलों पर पूरा विश्वास ना करते हुए भी उन्हें अपने करीब मानते हैं दलों को भी हर हाल में लोगों की मांगों और ज़रूरतों पर ध्यान देना होता है वरना अगले चुनाव में लोग उन्हें धूल चटा सकते हैं अब अगर हम दोबारा उसी बात पर आते हैं कि राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है तो अगर हम जो राजनीतिक दलों के कार्य हैं उनकी तरफ अगर जाएं तो हम पाएंगे कि राजनीतिक दलों की जरूरत कितनी महत्वपूर्ण है उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए कि राजनीतिक दल ना हो और कोई भी व्यक्ति आजाद या स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ना चाहता है अर्थात एक निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में वो चुनाव लड़ता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है सिर्फ कि अपने क्षेत्र तक ही वो सीमित रहता है उसके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं होती कि वो देश के बारे में सोचेगा अर्थात उसका जो अपना क्षेत्र है उसी पर ही ध्यान देगा और देश के बारे में वो कुछ भी नहीं कर पाएगा जबकि जो राजनीतिक दल होते हैं उनकी जो भी भूमिका होती है वो पूरे देश में एक जैसी होती है और इसीलिए राजनीतिक दल महत्वपूर्ण हैं राजनीतिक दलों का उदय प्रतिनिधित्व पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था के उभार के साथ जुड़ा है हम पढ़ चुके हैं कि बड़े समाजों के लिए प्रतिनिधित्व आधारित लोकतंत्र की जरूरत होती है जब समाज बड़े और जटिल हो जाते हैं तब उन्हें विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग विचारों को समेटने और सरकार की नज़र में लाने के लिए किसी माध्यम या एजेंसी की जरूरत होती है विभिन्न जगहों से आए प्रतिनिधियों को साथ करने की ज़रूरत होती है ताकि एक ज़िम्मेदार सरकार का गठन हो सके उन्हें सरकार का समर्थन करने या उस पर अंकुश रखने नीतियाँ बनवाने और नीतियों का समर्थन अथवा विरोध करने के लिए उपकरणों की जरूरत होती है प्रत्येक प्रतिनिधि सरकार की ऐसी जो भी ज़रूरतें होती हैं राजनीतिक दल उनको पूरा करते हैं इस तरह हम कह सकते हैं कि राजनीतिक दल लोकतंत्र की एक अनिवार्य शर्त है आइए अब हम बात करें कितने राजनीतिक दल अर्थात किसी भी देश में कितने राजनीतिक दल होने चाहिए इसके बारे में चर्चा करेंगे अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर बहुत ज्यादा दल हैं। अगर हम भारत की ही बात करें तो भारत में भी चुनाव आयोग के पास सात सौ पचास से ज्यादा जो राजनीतिक दल हैं वो पंजीकृत हैं लेकिन जो भी दल हैं वो सारे इतने महत्वपूर्ण नहीं होते या इस काबिल नहीं होते कि चुनाव में दूसरे दलों को चुनौती दे सके केवल कुछ ही दल होते हैं जो सरकार बनाने की क्षमता रखते हैं तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठता है कि लोकतंत्र में कितने दलों का होना आवश्यक है या जरूरी है अगर हम अलग अलग देशों की बात करें कहीं पर एक दलिया व्यवस्था है कहीं पे द्विदलीय व्यवस्था है कहीं पे बहुदलीय व्यवस्था है अर्थात कई देशों में एक दल है कई देशों में केवल दो दल हैं और कई देशों में बहुत ज्यादा दल पाए जाते हैं चीन में सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी को शासन करने की अनुमति है हालांकि कानून रूप से वहाँ भी लोगों को राजनीतिक दल बनाने की आज़ादी है पर वहाँ की चुनाव प्रणाली सत्ता के लिए स्वतंत्र प्रतिद्वंदिता की अनुमति नहीं देती इसलिए लोगों को नया राजनीतिक दल बनाने का कोई लाभ नहीं दिखता और इसलिए कोई नया दल नहीं बन पाता हम एक दलिया व्यवस्था को अच्छा विकल्प नहीं मान सकते क्योंकि यह लोकतांत्रिक विकल्प नहीं है किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कम से कम दो दलों को राजनीतिक सत्ता के लिए चुनाव में प्रतिद्वंदता करने की अनुमति तो होनी ही चाहिए साथ ही उन्हें सत्ता में आ सकने का पर्याप्त अवसर भी रहना चाहिए कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है जहां पर केवल दो दल हैं अर्थात द्विदलीय है व्यवस्था है जैसे ब्रिटेन और अमेरिका वहां पे क्या है दो दो दल हैं वो मुख्य रूप से मुख्य भूमिका निभाते हैं सरकार बनाने में हालांकि वहां पर उनके साथ कुछ छोटी छोटी पार्टी छोटी छोटी पार्टियां भी होती हैं लेकिन उनका जो महत्व है इतना नहीं होता वो सरकार बनाने में असक्षम रहती हैं क्योंकि वो बहुमत प्राप्त नहीं कर पाती भारत जैसे देश में यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है अर्थात यहाँ पर बहुत से दल हैं जो सत्ता प्राप्त करने के लिए लगे रहते हैं और कई बार क्या होता है एक से ज्यादा दल मिलकर के भी अपना कोई गठबंधन या मोर्चा बना लेते हैं जैसे 2004 के संसदीय चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन वाम मोर्चा ये तीनों ने कई पार्टियों के साथ अपना एक गठबंधन बनाया था और सत्ता प्राप्ति के लिए चुनाव लड़ा था परंतु जब इस प्रकार की बहुदलीय व्यवस्था होती है तो वो देश को अस्थिरता की तरफ ले जाती है लेकिन एक फायदा यह भी है कि लगभग सभी सामाजिक वर्गों को अपना प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान हो जाता है तो इनमें से कौन सी प्रणाली बेहतर है अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल का संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि यह कोई बहुत अच्छा सवाल नहीं है दलिया व्यवस्था का चुनाव करना किसी मुल्क के हाथ में नहीं है यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है और इसमें समाज की प्रकृति इसके राजनीतिक विभाजन राजनीति का इतिहास और इसकी चुनाव प्रणाली सभी चीज़ें अपनी भूमिका निभाती हैं इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता हर देश अपनी विशेष परिस्थितियों के परिस्थितियों के अनुरूप दलिया व्यवस्था विकसित करता है जैसे अगर भारत में बहुदलीय व्यवस्था है तो इसका कारण यह है कि दो तीन पार्टियाँ इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक और भौगोलिक विविध विविधताओं को समेट पाने में अक्षम हैं हर मुल्क और हर स्थिति में कोई एक ही आदर्श प्रणाली चले यह संभव नहीं है आइए अब हम भारत में राजनीतिक दलिया व्यवस्था को देखें भारत में दो तरह के राजनीतिक दल हैं एक वे दल हैं जो लगभग पूरे भारत में अपना प्रभाव रखते हैं और इनको राष्ट्रीय दल की संज्ञा दी जाती है और कुछ ऐसे दल हैं जो किसी एक क्षेत्र विशेष में अपना प्रभाव रखते हैं तो इनको क्षेत्रीय दल के नाम से जाना जाता है लेकिन अगर देखा जाए राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की सही परिभाषा क्या है वो चुनाव आयोग ने निर्धारित की हुई है तो आइए अब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग किस दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है अगर कोई दल किसी लोकसभा चुनाव में छह प्रतिशत पड़े हुए वोट हासिल करता है अर्थात जितने भी वोट पड़े हैं अगर उसको उसका छह प्रतिशत मिल जाए अथवा या यानी या तो ये चीज या एक दूसरी चीज अगर हो जाए अगर चार राज्यों में विधानसभा चुनावों में चार राज्यों में विधानसभा चुनावों में उस दल को छह प्रतिशत वोट मिल जाए दोनों में से एक दोनों में से एक या तो लोकसभा में जितने वोट पड़े हैं उसका छह प्रतिशत या चार राज्यों में जितने वोट पड़े हैं उसका छह प्रतिशत और यानी दोनों में से एक और और साथ लगाना है और अगर लोकसभा की चार सीटें प्राप्त हो जाएं तो उस दल को चुनाव आयोग राज दल के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है और क्षेत्रीय दल की मान्यता कैसे मिलती है अगर किसी भी दल को किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में एक राज्य की बात कर रहे हैं किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल पड़े हुए वोटों का छह प्रतिशत मिल जाता है और साथ में दो सीटें मिल जाती हैं विधानसभा की उस राज्य से तब चुनाव आयोग उस दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान कर देता है तो बच्चों अभी हमने राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल की बात की कि उसको चुनाव आयोग के द्वारा मान्यता कैसे मिलती है अब जो राजनीतिक दल हैं और जो क्षेत्रीय दल हैं भारत में अलग अलग राज्यों में उनके बारे में हम अध्याय के दूसरे भाग में बात करेंगे साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि ये जो राजनीतिक दल हैं इनकी खामियां क्या हैं और इनको कैसे सुधारा जा सकता है उम्मीद है अध्याय का ये भाग आपको समझ आया होगा लेकिन आपने कितना जाना कितना समझा आइए इसको हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से जानने का प्रयास करें पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे प्रश्न एक निम्न में से राजनीतिक दल के अर्थ को कौन स्पष्ट करता है विकल्प हैं एक संगठित समूह चुनाव लड़ना सत्ता हासिल करना ये सभी अगर हम इसका उत्तर देखें तो ये सभी है क्योंकि राजनीतिक दल तभी कहलाता है जब वो संगठित हो चुनाव लड़ता है और चुनाव लड़कर सत्ता हासिल करता है प्रश्न दो निम्न में से एक राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है और विकल्प हैं नेता सक्रिय सदस्य अनुयायी विरोधी तो इसका जो सही उत्तर है वो है विरोधी क्योंकि राजनीतिक दल में नेता सक्रिय सदस्य और अनुयायी होते हैं विरोधी नहीं होते अगर विरोधी हैं तो वो दूसरी पार्टी के लोग होते हैं प्रश्न तीन चुनाव आयोग में कितने दल पंजीकृत हैं विकल्प हैं 600 से अधिक 650 से अधिक 750 से अधिक 1800 से अधिक तो इसका सही उत्तर है 750 से अधिक प्रश्न चार उस देश का नाम बताओ जहाँ एक दलिया व्यवस्था अस्तित्व में है और विकल्प हैं अमेरिका इंग्लैंड चीन पाकिस्तान तो आप जानते ही हैं चीन में एक दलिया व्यवस्था है क्वेश्चन पाँच भारत में किस प्रकार की दलिया व्यवस्था पाई जाती है विकल्प हैं एक दलिया द्विदलीय बहुदलीय इनमें से कोई भी नहीं तो आपको पता ही है भारत में कई दल पाए जाते हैं तो इस प्रकार यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था उत्तर होगा अब हम लघु उत्तरात्मक प्रश्न करेंगे प्रश्न एक गठबंधन या मोर्चा से आप क्या समझते हैं उत्तर जब किसी बहुदलीय व्यवस्था में अनेक पार्टियाँ चुनाव लड़ने और सत्ता में आने के लिए आपस में हाथ मिला लेती हैं तो इसे गठबंधन या मोर्चा कहा जाता है प्रश्न दो किसी दल को राष्ट्रीय दल की मान्यता कैसे मिलती है उत्तर अगर कोई दल लोकसभा चुनाव में पढ़े कुल वोट का अथवा चार राज्यों के विधानसभा चुनाव में पढ़े कुल वोटों का छः प्रतिशत हासिल करता है और लोकसभा के चुनाव में कम से कम चार सीटों पर जीत दर्ज करता है तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिलती है तो बच्चों इसी के साथ हमारा जो अध्याय राजनीतिक दल इसका पहला भाग समाप्त होता है दूसरे भाग के साथ हम जल्दी ही मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद